पांच साल पुराने हत्या लूट एवं आगजनी के मामले में हटा कोर्ट ने आरोपी बहादुर राय को तेरह आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस बारे में एडीपीओ श्री मुकेश पांडे ने बताया कि बहादुर राय का एक मामला था जिसमें दिनांक 6-7 जुलाई 2017 की घटना थी। उसमें आरोपी बहादुर राय जो है मृतिका चमेली बाई के घर के अंदर घुसा लूट करने की नीयत से। अचानक वो जाग गई तो उसने उसे नीचे पलंग के नीचे गिर गई झीना झपटी में, जिस पर क्या हुआ कि उसने उसके गले पर लात रख दिया जिससे फड़फड़ाने लगी और उसके अलमारी के कपड़े वगैरह उसके ऊपर डालने लगा। तभी उसकी माँ जो है जानकी बाई पानी मांगने के लिए उठी, वो अति वृद्ध थी। जैसे ही बहादुर राय ने जानकी बाई की आवाज़ सुनी तो उसके ऊपर भी झपटा और उसके साथ भी मारपीट की और उनका भी गला दबाया। उसे लगा कि वो मृत हो गई हैं लेकिन वो जिंदा थी और उसी समय उसने जेवरात वगैरह की चोरी की, वहाँ से लूट की और मोबाइल वगैरह लूट किए और उनके घर में आग लगा दी जिससे सारा सामान जल गया। मृतका चमेली बाई की मौत हो गई, उनका शरीर भी जल गया था। आहत जानकी बाई ने फिर मोहल्ले के लोगों को जगाया, उसके बाद लोगों ने आग बुझाई, पुलिस आई, मामला पंजीबद्ध हुआ और अभियोग पत्र जो है धारा 302, 460, 436, 201 के और 392 के अंतर्गत माननीय न्यायालय हटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आज उसे बहादुर राय को दोषी सिद्ध पाते हुए 13 जीवन कारावास दिया है। धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 460 में आजीवन कारावास और धारा 436 के अंतर्गत आजीवन कारावास, 392 में 5 वर्ष के कारावास और 201 में धारा 201 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है।